9, chapter 1, history, French Revolution. And it's our fourth part of this chapter. इस फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे महिलाओं का क्या योगदान रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्या है महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई थी या नहीं, ये हमने देखना है। जब क्रांति की शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर में महिलाओं के योगदान में बहुत ज्यादा परिवर्तन हमारे सामने लेकर आए, बहुत सारे परिवर्तन फ्रांस के समाज में हमारे सामने आए। उन्होंने उस समय की सरकार पर दबाव बनाया कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। बहुत सारी महिलाएं जो थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी वो बाहर कमाने भी जाती थी। तो कमाने के लिए क्या क्या काम करती थी, वो कपड़े धोने का, फूल बेचने का, अमीर लोगों के घरों में काम करने का, और इसके साथ साथ वो जो है अपने घर का घरेलू काम भी करती थी, डोमेस्टिक कोर्स भी करती थी, जैसे बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना, पानी लेकर आना, और सबसे महत्वपूर्ण ब्रेड के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना। उस समय तक गरीब महिलाओं को, हर स्टेट की मोस्टली महिलाओं को एजुकेशन का राइट नहीं था। एजुकेशन सिर्फ कौन ले रही थी, कलर्गी, नोबल, और इनके साथ साथ थर्ड स्टेट की जिनके फादर क्या थे, रिच थे, उन्हीं की डॉटर्स क्या कर सकती थी, एजुकेशन ले सकती थी। सबके लिए एजुकेशन के राइट नहीं थे। यहाँ कॉन्वेंट शब्द आया है, कॉन्वेंट का मतलब होता है स्कूल, तो उन्हें कॉन्वेंट जाने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ अमीर लोगों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में जा सकती थी। अगला पॉइंट हमारा बनता है कि उस समय महिलाओं ने, वुमेन्स ने बहुत सारे सोशल क्लब्स बनाए थे, ठीक है। कितने सोशल क्लब बनाए थे, 60 सोशल क्लब बनाए थे। इनमें से मुख्य दो हैं आपके, नंबर एक पहला है आपका द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और दूसरा है द रिपब्लिकन, और दूसरा है आपका द रिपब्लिकन। ये दो मुख्य आपके सोशल ग्रुप थे जो उस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, जिन्हें सबसे ज्यादा सक्सेस मिली थी। महिलाएं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई थी तब 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो उन्हें पैसिव सिटीजन रखा गया। महिलाएं क्या थी, पैसिव सिटीजन थी, उन्हें कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं मिला था। इसलिए हर बार वो मूवमेंट कर रही थी किसके लिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट प्राप्त करने के लिए, किसके इक्वल, मैन के इक्वल, ठीक है, मैन के इक्वल पॉलिटिकल राइट प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष किए जा रहे थे। उसके बाद जो गवर्नमेंट आपकी बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, उसने कुछ रियायतें महिलाओं को दी। कैसी रियायतें दी, पहले जो फादर्स थे वो लड़की की इच्छा के बिना उसकी शादी कर देते थे, अब बिना लड़की की इच्छा के उसका विवाह नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो स्टेट या गवर्नमेंट थी उसने लड़कियों की शिक्षा के लिए स्पेशल जो है देखरेख करनी शुरू की, जिससे लड़कियां क्या हुई, एजुकेटेड हुई। डाइवोर्स के लिए लड़के और लड़की यानी मेल और फीमेल दोनों ही डाइवोर्स अप्लाई कर सकते थे। शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जिससे महिलाओं की काफी स्थिति में सुधार आया। और इसका जो और पॉइंट हम देखते हैं, इसका फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं 1793 और 1794 का जो सेशन था, जो आपको पता है रोबेस्पियर का काल था, उसमें महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा दबिश बनाई गई, उनकी सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस किया गया। वुमेन्स की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस किया गया, बहुत सारी महिलाओं को जेल में डाल दिया गया और बहुत सारी महिलाओं को फांसी पर भी लटका दिया गया था। उस समय
महिलाओं के आंदोलनों को बुरी तरह कुचला गया था। महिलाएं जो फ्रांस में क्रांति शुरू हुई थी महिलाओं को इक्वल बेसिस के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, ये आंदोलन लगभग 200 सालों तक पूरे विश्व में भी चलता रहा, जिससे महिलाओं को क्या मिल सके, वोटिंग राइट मिल सके, उन्हें इक्वल वेजेस मिल सके, उन्हें इक्वल ट्रीट किया जा सके। किसके इक्वल? मेंस के इक्वल। ऐसा करने के लिए इन्होंने 200 साल तक, विश्व की लगभग महिलाओं ने 200 साल तक जो है प्रयास किए थे। और 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट प्राप्त हुआ। फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट प्राप्त हुआ। इट्स ऑल अबाउट डिड वुमन हैव ए रेवोल्यूशन, क्या महिलाओं की भी क्रांति थी? तो ये सब कुछ क्या था हमारा, महिलाओं की क्रांति के बारे में था। इसी पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि दास्ता का अंत। अब ये एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी कैसे हुआ, तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये दास्ता कहाँ से कैसे शुरू हुई, किस तरह से दासों का व्यापार होता था, कहाँ से दास लाए जाते थे, कहाँ बेचे जाते थे, दासों का उपयोग क्या होता था। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो दासों का व्यापार होता था उसका एक ट्राइंगल बनता था जो आपके यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच होता था। ये एक ट्रायंगल बनता था आपका, इन देशों के बीच होता था। इन देशों में प्लांटेशन के काम के लिए, प्लांटेशन का जो काम है वो बहुत ही क्या है, लेबर इंटेंसिव काम है, इसके लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए साउथ अफ्रीका से लोगों को लाया जाता था और उनको यूरोप और अमेरिका में बेचा जाता था। अब देखते हैं मुख्य देश कौन कौन से हैं जहां ये व्यापार होता था। जैकोबिन जो रीजन था आपका, जैकोबिन के समय में जब जैकोबिन का राज चल रहा था उस समय स्लेवरी की ओर ध्यान दिया गया और स्लेवरी को खत्म करने की ओर ध्यान दिया गया। दासों के बारे में सो ये इम्पोर्टेंट सप्लाई के तीन देश थे, ये कैरेबियन कॉलोनीज थी, कैरेबियन कॉलोनीज थी, यहाँ से मुख्य तौर पर इनकी सप्लाई की जाती थी। सप्लाई किस लिए होती थी आपको बताया जा चुका है, प्लांटेशन के लिए होती थी। ठीक है, इंडिगो, शुगर, कॉफी, इन सब के लिए, टोबैको के लिए। यूरोप के देशों में जो है कम लोग होते थे, यानी जनसंख्या कम थी, इसलिए इन देशों से यहाँ से जो है दासों को ले जाया जाता था। बॉर्डोक्स और नांटेस जो है मुख्य रूप से यहाँ से, बॉर्डोक्स और नांटेस जो है वहां से मुख्य रूप से दासों को पशुओं की तरह जहाजों में भरकर लंबी लंबी यात्राओं पर ले जाया जाता था। तीन तीन महीने की ये यात्राएं होती थी, तीन तीन महीने की लंबी यात्राओं पर पशुओं की तरह इन्हें बांधकर, टाइटली बांधकर जहाजों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। 19वीं शताब्दी में कुछ स्लेवरी का विरोध हुआ, लेकिन फिर भी फ्रांस की सरकार ने इसे नहीं हटाया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हम स्लेवरी को खत्म कर देंगे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी स्पोर्ट हमें खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, बड़े जो धनी वर्ग जो है वो सब जो है इसी से अपना मुनाफा कमा रहे थे, स्लेवरी से ही अपना सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे। 1794 में जो है इसको अबोलिश किया गया था। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो अबोलिशन का काम जो है इसका किसने किया है, आपके जैकोबिन क्लब ने किया था, उसके बाद किसी ने नहीं किया, लेकिन 10 साल के बाद दोबारा से, 1794 के 10 साल के बाद नेपोलियन का राज शुरू हो जाता है, और जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट का राज शुरू होता है वो रीइंट्रोड्यूस कर देता है किसे, वो स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, दास प्रथा को दोबारा से शुरू कर देता है। उसके बाद जो दास प्रथा है आपकी वो 1848 में खत्म होती है, कहां से, फ्रांस से। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको कि 1794 में जैकोबिन क्लब्स ने इसको खत्म करने की बात की थी। ट्राइंगल बना था आपका यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका के बीच,
ये मुख्य कैरेबियन कंट्रीज हैं जहां से सप्लाई होती थी, प्लांटेशन के काम के लिए इनकी सप्लाई होती थी। यूरोप में जनसंख्या कम थी, ये लोग जो हैं इस काम को बेहतर वे से नहीं कर सकते थे। उसके अलावा जब 19th सेंचुरी जब आई तब इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट का डर था। लेकिन 1794 में जैकोबियंस ने क्या किया था, स्लेवरी को खत्म कर दिया था। क्योंकि जैकोबियन की सरकार क्या थी, आपकी अनवेल्दी लोगों की सरकार थी, तो उन्होंने स्लेव्स के बारे में सोचा और स्लेवरी को जो है 1794 में अबोलिश कर दिया। लेकिन 10 ईयर्स के बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट का राज आता है। नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, रीइंट्रोड्यूस कर देता है किसको, स्लेवरी को। इसी तरह से आपकी क्या होती है, स्लेवरी दोबारा से शुरू हो जाती है। एटलीस्ट जो है आपकी स्लेवरी 1848 में फ्रांस से अबोलिश होती है। इट्स ऑल अबाउट अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। अब हम देखते हैं रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। क्या रेवोल्यूशन का प्रतिदिन के जीवन पर, हर व्यक्ति के प्रतिदिन के जीवन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता है, तो कह रहे हैं हाँ जी पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। सबसे पहले जब रेवोल्यूशन हुई, रेवोल्यूशन के कारण जो 1789 से पहले जो सेंसरशिप थी वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, जो रिटर्न देंगे उसमें चाहे किताब है आपकी चाहे न्यूज़पेपर है, उन सभी के जो है राजा पहले चेक करेगा, उन सभी को क्या करेगा, राजा पहले चेक करेगा, उसके बाद ही आप उसे पब्लिकली भेज सकते हैं। इसलिए ये सेंसरशिप थी, ये सेंसरशिप अबोलिश हो गई। दूसरा, आपको डिक्लेरेशन ऑफ चार्टर के अकॉर्डिंग, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यही था ना कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन जो था उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम और जस्टिस, ये चीजें आपको मिल चुकी थी, जिससे आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो बेहतर हो गई थी। आप जो है अपने विचारों को खुलकर सामने रख सकते थे, लोगों ने किताबें खुलकर छापना शुरू किया, न्यूज़पेपर लिखना शुरू किया, नाटक बनाने शुरू किए, ताकि अनपढ़ लोगों में भी जागरूकता आ सके। उसके अलावा आपको पता है थर्ड नंबर पे हम क्या बताएंगे कि ड्रेस जो थी वो भी चेंज हो गई। आपको पता है कि जैकोबियंस ने अपनी स्ट्रिप्स वाली जो पैंट है वो डिसाइड की थी, जो अपर नीज तक वो पहनते थे, ठीक है, नीच से ऊपर तक, तो क्या है ड्रेस पर भी उनका प्रभाव पड़ा, उनकी लैंग्वेज पर भी प्रभाव पड़ा, उनका जो है जीवन के रहने सहने के तरीके पर भी प्रभाव पड़ा। तो इट्स ऑल अबाउट द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है इसी चैप्टर का, वो है कंक्लूजन, और कंक्लूजन में हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। इसको देखते हैं, कंक्लूजन में हम देखते हैं 1804 में नेपोलियन राजा बनता है। नेपोलियन क्या है, एक मिलिट्री डिक्टेटर है। मिलिट्री डिक्टेटर है, कैसे बना ये राजा, आप थोड़ा सा बैक में चलते हैं। फर्स्ट क्या था, मोनार्की, आपके राजा लुई 16 का राज था। दूसरा 1791 में क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। थोड़ा सा याद दिला रही हूँ आपको पीछे वाला। थर्ड क्या है, 1792 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके बाद वही 1793 में राजा को फांसी दे दी गई, उसके बाद आपका क्या आया, रिपब्लिक, और राज किसका आ गया, जैकोबियंस का, और जैकोबियंस में भी किसके हाथ में जाया, रोबेस्पियर के हाथ में, ठीक है। उसके बाद आपका जो फोर्थ नंबर पे आया वो था डायरेक्टरी रूल, जिसमें 5 डायरेक्टर्स को चुना गया था राज करने के लिए, लेकिन उनमें भी क्या रहते थे, क्लैश रहते थे, इसलिए उसे भी डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद आपका जो है एक फिफ्थ नंबर पे अब आपका राज शुरू होता है मिलिट्री डिक्टेटर का। और ये मिलिट्री डिक्टेटर कौन है, मिलिट्री डिक्टेटर है आपके नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है।
नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में क्राउन किया, चोन को पहना, ताज को पहना, किसके लिए? फ्रांस के लिए। फ्रांस का ताज इन्होंने पहन लिया। इसने अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बताया। कहा कि क्या है ये? मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप है। इसके साथ साथ इसने क्या किया? यूनिटरी मेजर और वेट, मेजर एंड वेट के जो है इसने मेजरमेंट दिए। दूसरा, यूनिफाइड करेंसी, यूनिफाइड करेंसी इसने दी। तीसरा, फ्यूडल रूल्स को क्या कर दिया? फ्यूडल ड्यूज को क्या कर दिया? अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। प्रिविलेजेस को अबोलिश कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ हमने आपको अभी बताया था क्या कि स्लेवरी को क्या कर दिया? रीइंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, स्लेवरी को क्या कर दिया? रीइंट्रोड्यूस कर दिया। ये सब इसने किए। इसके बाद 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। वाटरलू का वार हुआ था 1815 में आपके ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन और स्वीडन के बीच। उसमें जो है नेपोलियन जो है इन चारों देशों से हार गया और कमांड जो है अब इन लोगों के हाथ में चली गई। इस तरह से वापस ही आपके फ्रांस में क्या आ गई है? मोनार्की आ गई है। क्या आ गई है? मोनार्की आ गई है। तो आज आपने देखा कि किस तरह से हमारा जो फ्रांस है उसमें 14 जुलाई को रेवोल्यूशन शुरू हुई थी 1789 में। मोनार्की थी, मोनार्की के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई, उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया। उसके बाद जो डायरेक्टरी रूल के बाद भी जब उसमें क्लैशेस रहे तो आपका मिलिट्री रूल आया। मिलिट्री रूल भी आपका जो है 11 साल तक रहा और उसके बाद जो है आपका नेपोलियन बोनापार्ट के बाद दोबारा ही मोनार्की आ जाती है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। 5th और 6th पार्ट में आपको इसका असाइनमेंट और असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 7th पार्ट में आपको टेस्ट होगा जिसमें आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आप सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।